किसका रास्ता है बेटा? हम लोग गार्डन नहीं जा रहे, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। शिवानी आगे बढ़ो, शिवानी बाबू आगे बढ़ो, बिल्ली ने पकड़ गुन्नू बढ़ो आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो आगे चलो। हेलो गाइस, हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के पूजा का काम करेंगे, अच्छे मिलेंगे। गाइस, मंदिर की दूरी हमारे घर से बहुत ही दूर है, इसलिए हमें मंदिर जाने के लिए बस लेना पड़ा और हम बस से मंदिर गए। आप देख सकते हैं बस वाले ने हमें मंदिर की थोड़ी दूरी पर उतार दिया, क्योंकि मंदिर बीच जंगल में पड़ता है और वहां तक बस का कोई साधन नहीं जा सकता है, तो हमें यहां से मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। गोली से उड़ा दूंगा। ये जंगल नहीं है बेटा, ये जंगल है, जंगल में नहीं पहुंची आप। आप पहुंच गई हो मंदिर में, अभी आगे थोड़ी दूर पे पड़ेगा। गार्डन। आपको कहाँ जाना है? गार्डन। ओ, मंदिर तो बंद था, अंकल ने बोला कि मंदिर बंद है। कहाँ जाने बाबू को? अच्छा, फाइनली गाइज आप देख सकते हैं हम मंदिर पहुँचे, और मंदिर पहुँचने के बाद हमें मंदिर के गार्ड और कुछ पुलिस वालों ने बताया कि मंदिर को बंद किया गया है, आज के दिन मंदिर बंद है। अब हम वापस किसी दूसरे मंदिर जाएंगे। मंदिर के अगल बगल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, तो हम कुछ देर यहीं पर अगल बगल बच्चों को इंजॉय कराएँगे, उसके बाद हम दूसरे मंदिर चलेंगे। तब तक आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ से ना फेंक दूंगा मैं संदीप। सो गाइज ये देखिए, ये है पवई लेक। ये बरसात के दिन में ये लेक बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पवई लेक देखने के लिए। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पवई लेक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और हम लोग छठ पूजा भी यहीं इसी लेक पे करने आते हैं। आ बेटा, उधर आओ, उधर आगे देख के चलना बेटा। गिरेगा, खाओ। क्या खा रही हो बेटा? आप क्या खा रहे हो बेटा? अब इसके बाद कहाँ जाएंगे बाबू? मंदिर नहीं जाएंगे, यहाँ का मंदिर तो बंद था। नाग मंदिर जाएंगे ना? कहाँ जाएंगे बाबू? यहाँ क्यों नहीं गए मंदिर? यहाँ के मंदिर क्यों नहीं गए बेटा? अंकल ने बोला बंद है। तो यहाँ पे तो बाबू बहुत इंजॉय किया है ना? मंदिर बंद है, मंदिर बंद है, तो हम कहाँ जाना है? अच्छा, तो घर नहीं जाना?
डाएंगे अभी खेलेंगे तो डाएंगे। अच्छा तो हम लोग दूसरे मंदिर चलेंगे ना। हाँ ठीक है चलो। अब आप देख सकते हैं कि अब हम इस मंदिर से अब हम जो हमारे घर के पास में मंदिर पड़ता है स्वर्णा टेम्पल वहाँ जा रहे हैं। वो मंदिर खुला होगा तो फाइनली गाइस हम स्वर्णा टेम्पल पहुँच चुके हैं। और हमारे ब्लॉग में देखिए ये मंदिर स्वर्णा मंदिर बहुत बहुत ही अच्छी मंदिर है। अच्छा देख सकते हैं गाइस कि मंदिर में लाइन कितनी ही लंबी लगी हुई है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे लगी हुई। चलिए आगे देखते हैं कब तक पहुँच जाते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। ये है काली माता की मूर्ति। यहाँ पे काली माता की पूजा होती है। हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इस मंदिर में। पवई मंदिर बंद होने की वजह से स्वर्णा टेम्पल में इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और वैसे भी इस मंदिर में इतना भीड़ रहता ही है हमेशा। आप देख सकते हैं ये है शीतला माता। इनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं और मेरी बेटियाँ दोनों मिलकर हम लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। जो मेन मंदिर है स्वर्णा मंदिर। ये मंदिर के प्रांगण में जितनी भी मूर्तियाँ हैं सबकी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो मेन स्वर्णा माता है उनके पास दूर से ही लोग दर्शन करते हैं। उनके पास ना अगरबत्ती जला सकते हैं ना कपूर दिखा सकते हैं कुछ ना, दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं माता जी को। बस प्रांगण में जितनी भी मूर्तियाँ हैं सबकी हम लोग पूजा कर सकते हैं। देख सकते हैं बाहर जितने भी मंदिर मूर्ति थी प्रांगण में हमने सबका पूजा कर लिया, सबके दर्शन कर लिए। अब अंदर चलते हैं मेन मूर्ति के पास स्वर्णा माता के पास। क्योंकि स्वर्णा टेम्पल को नाग मंदिर भी कहा जाता है। इधर देखिए बच्चे कुछ एक साथ कैसे खेल रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इस खिचड़ी को ये उठा के दूसरी जगह रख दें। ये देखिए ये है मेन मंदिर स्वर्णा।
मंदिर की सोना माता, ये अंदर पूरी सोने की बनी हुई है, इसलिए अंदर तक कोई नहीं जाता है। यहाँ पे अगर बस्ती कपूर वगैरह कुछ भी नहीं जला सकते, हम दूर से बस इन्हें पूर्णा पा सकते हैं और उनका दर्शन कर सकते हैं। बस पुजारी ही इसके अंदर जाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो गाइस हमारे दर्शन कंप्लीट हुए, आज की पूजा हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा की भोले बाबा की, यहाँ पे भोले बाबा पूजा हो रही है दर्शन किए।